आज 1 जुलाई को संसद सत्र का 6ठा दिन है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में नीट पर एक दिन की चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि ये लाखों छात्रों की समस्या है और पेपर लीक के मामले पर एक दिन चर्चा होनी चाहिए। इस पर स्पीकर ने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अभी आप भाग लें, इसके बीच न शून्यकाल होगा न स्थगन प्रस्ताव होगा। सत्र की शुरुआत में स्पीकर ने विपक्ष के स्थगन का प्रस्ताव खारिज कर दिया। इस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। राहुल गांधी का ये कहना है कि पेपर लीक से 2 करोड़ युवाओं का नुकसान हुआ है और 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है। लोकसभा में नीट पर बहस की मांग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद की कार्यवाही कुछ नियमों और परंपराओं के आधार पर चलती है। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि कोई भी चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद ही की जानी चाहिए।